सऊदी अरब के इतिहास में अगर सऊदी का सबसे ताकतवर और बहादुर बादशाह गुजरा है वो था किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, जिनका नाम सुनकर अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर खौफ खाती थी। किंग फैसल किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के तीसरे हुक्मरान थे। इनके दौर में 1973 में अरब इजराइल में जंग हुई थी, जिसमें अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देता तो आज फलस्तीन आज़ाद होता। 1973 की इस जंग के वक्त किंग फैसल ने अमेरिका के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, सभी इस्लामी मुल्कों ने किंग फैसल के लीडरशिप में अमेरिका को आँख दिखाते हुए पूरे ही यूरोप में तेल बेचना बंद कर दिया था। ये इतिहास में पहली बार था कि अरब के किसी लीडर ने अमेरिका के खिलाफ जाने की गुस्ताखी की हो, जिसके जवाब में अमेरिका सऊदी अरबिया को धमकी देने लगा। अमेरिका के इस धमकी पर किंग फैसल ने तारीखी अल्फाज कहे थे कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदी लगाता है तो लगाए, हमारे बाप दादाओं ने पूरी जिंदगी खजूरें खाकर गुजारी है और हम भी यही करेंगे, लेकिन फलस्तीन का एक भी टुकड़ा हम दुश्मन का हवाले नहीं करेंगे। किंग फैसल के इसी डर से 25 मार्च 1975 को इनके दुश्मनों ने गोली मारकर इनको शहीद कर दिया।